लोग बातें करते थे कि ऑपोजिशन, सो कॉल्ड ऑपोजिशन जो है वो मिली हुई है हुकूमत के साथ, और जब भी हुकूमत गिरने लगती थी तो ऑपोजिशन वाले उसको सहारा देते थे, ऑपोजिशन वाले बेल आउट कर देते थे। मियां बरादरान की बात कर रहा हूं मैं जी, कि मियां बरादरान हमेशा हुकूमत को सहारा दे देते थे और वो हुकूमत जो गिर रही होती थी वो बच जाती। ऑपोजिशन वाले मियां बरादरान कहते हैं जी कि हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए सहारा देते थे कि कहीं डेमोक्रेसी डीरेल ना हो जाए। डीरेल होने से मुराद ये है कि जी प्रोबेबली थर्ड फोर्स यानी कि फोर्सेस यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के स्टेप इन ना कर जाए। लेकिन हमने देखा कि पिछले 4.5 साल में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि फोर्सेस ने, आर्मी ने ये कोशिश की हो कि जनाब वो स्टेप इन कर जाएंगे और हुकूमत को, डेमोक्रेटिक हुकूमत को वो उठा के बाहर फेंक देंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं और ऐसी कोई क्यासराइयां इतनी स्ट्रांग नजर नहीं आई। अब एक मरतबा फिर ऑपोजिशन का कहना ये है कि जी जो कुछ सड़कों पे हो रहा है, स्पेशली पंजाब की सड़कों पे जो कुछ हो रहा है, एहतजाज जो हो रहा है बिजली ना होने की वजह से या और जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है उनकी वजह से, वो एहतजाज असेंबलियों तक लेके आएंगे। असेंबलियों तक जब वो एहतजाज लेके आएंगे तो फिर यही होगा जो कुछ बजट की तकरीर में हुआ। वहां पे नारेबाजी हुई, पोस्टर्स, सब कुछ वहां पे हुआ, और यहां तक हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को उनकी काबीना के लोगों ने घेरा डाल के बचाया। फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो तकरीर थी उससे बेहतर तो ये था कि वो किसी स्कूल में जाके तकरीर कर लेते, वो ज्यादा बेहतर होता। और जिस तरीके से उन्होंने तकरीर डिलीवर की और उससे बजट से एक रोज पहले जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की मीडिया वालों को कि बजट कैसा हो सकता है, उसमें मेरे ख्याल में ओ लेवल का स्टूडेंट भी उनसे बेहतर डिलीवर कर सकता था। ठीक है, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी एक नौकरी कर रहे हैं और उस नौकरी का जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कर रहे थे, लेकिन अवाम को एज सच कुछ नहीं मिला। और अगर जो छोटा थोड़ा बहुत मिला भी वो आइंदा कुछ ही दिनों में दूसरे हाथों से वापस ले लिया जाएगा। ये एक सेंटेंस ऐसा है जो हम अक्सर औकात सुनते रहते हैं और होता भी ऐसा ही आया, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप 4.5 साल पीछे चले जाए तो अगर आप कीमतों का अंदाजा लगाएं तो कई चीजें ऐसी हैं जो 100% से लेके 200% तक और कई चीजों में इससे ज्यादा भी इजाफा हो चुका है। सो 1000-2000 बेसिक सैलरी में इंक्रीज कर देना कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज में। ऑपोजिशन अब क्या करने जा रही है? ऑपोजिशन वाकई ही सीरियसली उन्होंने अब कोई लाइन ड्रॉ कर ली है, इसलिए कि इलेक्शन आने वाले हैं और उससे पहले पहले अगर हुकूमत के साथ वो अपने सींग नहीं अड़ाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। ये भी एक ड्राइंग रूम टॉक है जो चल रही है। तारिक अजीम साहब मेरे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, उनसे पूछते हैं कि क्या ये लाइन ड्रॉ कर दी गई है? लाइन ड्रॉ कर दी गई है कि जनाब इलेक्शन होने वाले हैं इसलिए जरा फ्रंट फुट पे आके खेलो, या अभी भी नून लीग वाले हुकूमत के साथ मिले हुए हैं और ये सब एक सूडो काम है? बात उनसे कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। और मेरे साथ मौजूद होंगे फोन पे हाफिज हुसैन अहमद साहब, JUIF से इनका ताल्लुक है, वो इज फुल ऑफ विट ह्यूमर, और जिस तरीके से वो अपनी बात एक्सप्लेन करते हैं हाफिज साहब, वो मेरे ख्याल में सबको समझ भी आ जाती है और उनका बताने का तरीका भी कुछ ऐसा है कि आप जरा ड्राइनेस महसूस नहीं करते उनकी गुफ्तगू में। दोनों साहिबान मेरे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का आगाज करूंगा मैं तारिक अजीम साहब से। और हाफिज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तारिक अजीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपसे जो बात तारिक अजीम साहब कह रहे हो आप बीच में अपनी इनपुट दे सकते हैं हाफिज साहब, और जिस तरीके से आप देते हैं अपनी इनपुट, एटलीस्ट मैं तो बहुत महजूज होता हूं उससे।
तारिक साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे शुरू कर रहा हूं मैं, क्या ऑपोजिशन अब वाकई ही ऑपोजिशन बन चुकी है और सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन करीब है और अगर आप लोगों ने फ्रंट फुट पे अब ना खेला तो आपको वोट नहीं मिलेंगे, क्या ऐसे ही है? देखिए जी, ये इसमें तो कुछ सदाकत है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इलेक्शन ईयर है, 6-8-10 माह में इलेक्शन होने वाले हैं, हुकूमत पर डिपेंड करता है, शायद री इलेक्शन भी करवा लें, तो उस लिए अपोजिशन का एक अहम रोल होता है शॉर्टली बिफोर द इलेक्शंस के जी वो फ्रंट फुट पे खेलें। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बड़ा अच्छा अहाता किया, आपने बड़ा पिछले जो 4 साल 4.5 साल में हो रहा है, एक तो जो ये इलेक्शंस हुए 18 फरवरी 2008 को, मखसूस हालात थे, बीबी की शहादत हो चुकी थी, सिंध जल रहा था, पाकिस्तान खपे के नारे लगा रहे थे जरदारी साहब, और जिस तरीके से जरदारी साहब ने फिर अपनी सियासी खेल खेला और मुफाहमत और जमहूरियत के नाम पे लोगों को जिस तरीके से इन्होंने लॉलीपॉप दिया, लोगों को आप समझे कि वैल्यूम दे के सुला दिया, या जैसे आपने कहा डरा दिया, यानी कि आपने सुना होगा कि माएं बच्चों को सुलाने के लिए कह देती हैं कि बेटा सो जाओ वरना बहू आ जाएगा, डराने के लिए। तो इन्होंने आर्मी को बहू बना दिया कि देखें अगर आप हम आपस में बैठ के कुछ मामला तय नहीं करेंगे और अगर आपने आके हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया तो ये फौज आ जाएगी और आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। गिलानी साहब ने भी कई दफा फ्लोर द हाउस में भी कहा कि सब चीज लपेटी जाएगी, आप भी जाएंगे हम भी जाएंगे। ये तो इस एक तरीके से ये एक तरीकाकार था उनका। दूसरा ये था कि वाकई जेन्युइनली ये फील किया गया खासकर मियां साहब की तरफ से, और उन्होंने लोगों के बहुत ताने सुने, ये फ्रेंडली अपोजिशन का भी ताना सुनना पड़ा, लोगों ने भी कहा कि इतनी बुरी हुकूमत आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आई और आज भी आप कहते हैं कि इस हुकूमत को आप जो है कंधा दे के रखेंगे। लेकिन वजह बिल्कुल यही थी कि अगर इस हुकूमत को ना चलने दिया गया और फिर इनको फारग कर दिया गया 1-2 साल में, तो फिर ये बाहर जाके कहेंगे आवाम से देखिए हमें मौका नहीं दिया गया, अगर हमें पूरी टर्म अपनी कंप्लीट करने दी जाती तो हम ये कर देते वो कर देते, जो हमने रोटी कपड़ा मकान का जो नारा आपको दिया था वो हमारे सारी चीजें अपने वादे पूरे करने थे। तो इसलिए अपोजिशन ने जानबूझ के कि इनको ये मौका ना मिले कि ये सियासी शहीद बन जाए और बाहर जाके इलेक्टोरेट से दोबारा जाके इस चीज पे वोट ले सकें कि हमें पूरा वक्त नहीं दिया गया और हमें निकाल के बाहर फेंक दिया गया। ये तो आपके सामने है, हुकूमत की कारकर्दगी भी आपके सामने है, लेकिन एक चीज मेरा ख्याल हुकूमत जो है वो भूल रही है कि अब अवाम जो है, और मैं आपको यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्पेशली मैं मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरीके से आप अवाम के सामने हकायक को बयान करते हैं और अवाम जो देख रहे हैं, इवन गांव गांव में बैठ के हर बंदा देखता है कि आज हालात क्या हैं। अगर आपने 3 अरब रुपए के नोट्स डेली प्रिंट करके अगर आप समझते हैं कि अफराधे जर पे काबू पाया जा सकता है तो आप जो है गलत राह पे चल पड़े हुए हैं। अगर आप समझते हैं कि अगर 99 में 3,000 अरब जो था आपका कर्जा था जो 2008 में 6 पे चला गया और आपने 4 साल में उसको 12,024 पे ले गए बिलियन पे, यानी कि जो 61 साल में कर्जा पाकिस्तान ने लिया उस कर्जे को आपने 4 साल में डबल कर दिया। अब ये एक हकीकत है जो कि आप लोग रोजाना बयान करते हैं और अवाम आपको सुनते हैं और समझते भी हैं, तो अवाम इतनी जो है बेवकूफ नहीं है कि वो दोबारा इसी हुकूमत को दोबारा लेके आए। उन चीजों इनको भी इस चीज का इलम है, इसलिए ये इस तरह की कोशिश करते हैं कि अवाम को गुमराह करने के लिए। जैसे आपने कहा वजीर खजाना साहब ने जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे पेश किया उसमें तो ऐसे लगता था कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, और लेकिन साथ ये भी बताते चले कि ये कोई भी उन्होंने जितने भी अहदाफ अपने मुकर्रर किए थे उनमें से एक हदफ भी वो पूरा नहीं कर सके, हर चीज पे इट वॉज फेल शॉर्ट। आपने कहा जा रहा था जी कि हमने एक चीज बड़ी जोर शोर से कही जा रही है कि जी हमने 20-25% जो है रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू बढ़ा दिया। राणा साहब अगर आपको बखूबी जैसे इल्म है कि बरामदाद हमारी जो है जबकि नॉट वेरी लॉन्ग अगो जो 20 अरब पे थी वो 40 अरब पे चली गई। अब आपको इलम है कि अगर जब बरामदाद बढ़ेंगी तो लाजमी बात है कि उस पर ड्यूटी भी बढ़ेगी, जब ड्यूटी बढ़ेगी तो आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, तो अगर उसको आप समझते हैं कि यह कामयाबी है तो मेरे भाई ये कामयाबी नहीं है। आप लोगों की तनख्वाहें अगर बढ़ाएंगे 15-20% तो उस पर उनको थोड़ा बहुत टैक्स भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो वो भी आपकी कामयाबी नहीं है। आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल जीरो हो गई है,
कोई बंदा पाकिस्तान में आके कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, आपके सनतकार सारे मुल्क से भाग रहे हैं, ये कारकर्दगी है हुकूमत की। अब इस पे अपोजिशन वाले क्या करें, जो कि आपका बेसिक सवाल था, क्या हम बैठ के ये देखते रहें और वेट करें अगले साल मार्च अप्रैल तक, जो इनका बिल्कुल लास्ट यानी कि फैग एंड होगा इनकी हुकूमत का, कि उस वक्त जाके हम बोलें? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अब आके मजबूरन अवाम भी सड़कों पे निकले हुए हैं, अब मजबूरन जो है हुकूमत को चाहिए कि एक्सेप्ट करें इस चीज को कि वो फेल हो चुके हैं, जल्दी इलेक्शन करवाए और फिर अवाम पे छोड़ दें कि वो हकायक को जानते हुए किसको वोट देते हैं, और जो भी फिर आएगा उसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है हाफिज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तारिक अजीम साहब कह रहे थी कि 61 सालों में इतना कर्जा नहीं दिया गया जितना 4-4.5 सालों में इस हुकूमत ने लिया, नंबर वन। नंबर टू, हुकूमत वाले कहते हैं जी हमने अपनी इनिंग्स तो खेल ली, जो हमने खेलना था खेल लिया, अब आगे हम चल सके ना चल सके, या जल्दी इलेक्शंस करा दे या अपने टाइम पे इलेक्शंस करा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी ऑप्शंस कोई नहीं है, बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस है, और अगर हम इलेक्शंस करा भी दें तो आइंदा फिर 5 साल हमारे ही हैं। आप क्या कहते हैं साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तारिक अजीम भाई को भी सलाम, जब काफ में थे तब भी हम उन्हें सलाम करते थे, अब दूसरी जानिब है। बुनियादी बात तो जो करूंगा मैं वो ये है कि तारिक अजीम भाई ने एक बात की है कि आवाम इतने बेवकूफ नहीं है, यानी कुछ तो है, और मैं समझता हूँ कि शायद इसी हवाले से हम सब आवाम के जज्बात से भी खेलते हैं। ये जो बजट की बात की गई है, मैं समझता हूँ कि बजट और पाकिस्तान के माशी हालात में जमीन आसमान का फर्क है, और इसमें तो दो राय नहीं है कि जो कुछ हाफिज शेख साहब ने पेश किया है वो खुद सवालात में के हवाले से जब प्रेस ने उनसे पूछा तो यकीनन वह बाएं-शाएं करते रहे। असल में अवाम के सामने जो गोरख धंधा रखा गया था उसका असल हकायक से, इक्तिसादी हकायक से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है। लेकिन मैं एक बात जो अर्ज करूंगा, शायद उसके लिए कोई लंबी तमहीद भी नहीं बांधू, वो ये है कि हम ये देखें कि हमारे ये हालात की असल वजह क्या है, और असल वजह बिल्कुल यही है कि पराई पट्टे में जो हमने टांग अड़ाई हुई है, और इस वक्त जो हमारी इक्तिसादी हालात है, और जिस तरीके से हमारे ताजियती इज्तिमात पर भी ड्रोन हमले हो रहे हैं, और हमारे नेटो सप्लाई के हवाले से जो हमें थ्रेट की जा सकती है, हमारे आजादी का तो ये अंदाज है कि शकील आफरीदी के हवाले से भी हम पे दबाव है, तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की पोजीशन वाजिब की है माजरत के बगैर, और अपोजिशन जो है वो दीगर मामलात के हवाले से इस हवाले से बिल्कुल यकसू नहीं है कि क्या ये जंग जो लड़ी जा रही है हमारी है या नहीं है। अब हमारी फौज ने चलाला चेक पोस्ट पर हमले के बाद कह दिया कि जंग हमारी नहीं है, क्योंकि हमारी जंग अगर जिससे थी उसने तो हमारी फौजी शायद इतने नहीं मारे जितने जिनके लिए हम जंग लड़ रहे थे, और जिस जंग को हम अपनी जंग कह रहे थे। मैं समझता हूँ कि मौजूदा सेटअप जो बिछाया गया है अमरीका और बरतानिया ने, और इसमें आप यकीन जाने अगर मुझे सच कहने की इजाजत दी जाए तो इसमें सब के सब गुनाहगार हैं, और जिन्होंने जरदारी साहब को फ्री हैंड दिया और उनको पता था कि मोहतरमा के कत्ल में कौन कौन मुलविस है, और उनको ये पता था कि अबू दुबई में जो मुआहदा हुआ था उसके तहत जो सूरत हाल थी उसका उससे इनकार का कि सजा बेनजीर भुट्टो शहीद को दी गई है, और उसके बाद हम सब का हिस्सा बने, हमने सदारत के लिए फ्री हैंड दिया उनको, हमने वजारत उजवा के लिए फ्री हैंड दिया उनको, हमने स्पीकर के लिए फ्री हैंड दिया उनको, वो स्पीकर साहिबा जो आज अलिया का मजाक उड़ा रही है और अलिया के सामने आस्तीन चढ़ा के, ये सब के सब सेनेट के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सारी हमने तालीम उठाकर सारी सियासी जमातों ने मुफाहमत के नाम पे नहीं मफादात के नाम पर और अमरीकी इशारों पर हमने जो कुछ किया है
वो खमियाजा भुगत रहे हैं। हमें कौम से माफी मांगनी चाहिए और अपने लिए लाए अमल वो तय करना चाहिए जिसमें आइंदा के लिए कोई ऐसा झोल मौजूद न हो। हाफिज साहब, क्या लाए अमल करना चाहिए, हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, कैसे हमें क्या नई स्ट्रेटजी होनी चाहिए? चलें, आपने कहा कौम से माफी मांगनी चाहिए। देखिए जी, मैं बुनियादी तौर पर कह रहा हूँ कि आजकल जो हम अपोजिशन आपस में लड़ रही है, अपोजिशन की कोई पोजिशन मौजूद नहीं है और हम कोई सिंध कार्ड को हासिल करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि इलेक्शन जब होंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी तरफ इदारों तवज्जो देनी चाहिए। जो इदारों की लड़ाई है और फिर उस इदारों की लड़ाई के हवाले से पार्लियामेंट को कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने लाके खड़ा किया जाता है, लेकिन पार्लियामेंट ने जो हमारे लिए राय मुतय्यन की है उसकी हुकूमत नहीं चल रही है और फिर इसके लिए दो टोक अंदाज में अपोजिशन का मौकफ भी अमरीका को नाराज करने वाली नहीं है। अपोजिशन का मौकफ भी बिल्कुल वही है जो हुकूमत के मौकफ का है खारजा पॉलिसी के हवाले से। और एक आर्मी चीफ ने नेटो सप्लाई को जारी करने के अहकाम दिए थे परवेज मुशर्रफ ने, और दूसरे आर्मी चीफ ने स्पष्ट करने के लिए कहा था। हम ये क्यों हकीकत जो है वो छुपाने की कोशिश करते हैं कि हमारे सारे माशी मसाइल और मुश्किल की वाहिद वजह यह है कि हम अमरीकी पॉलिसी के हवाले से यकसू नहीं है। हम कहते कुछ है और करते कुछ है। अच्छा, क्या आप ये नहीं समझते, मैं तारिक साहब से पूछना चाहूंगा। तारिक साहब, ये सारी चीजें तो तुम्हारे सामने हैं, जो हाफिज साहब कह रहे हैं, आप भी जो कह रहे हैं। हाफिज साहब कह रहे हैं हमें कौम से माफी मांगनी चाहिए, जो जो गलतियां चार साढ़े चार साल में या इलेक्शन के दौरान जो हुए थे उससे पहले या उसके करीब जो बातें करनी पड़ी या की गई, जो कड़वे घूंट पीने पड़े, वो उसमें कौम से माफी मांगनी चाहिए। माफी का तरीका कार क्या है? क्या नए इलेक्शन माफी का तरीका कार है या इसी तरह बैठ के हम बोलते रहे, मीडिया पे भी प्रिंट मीडिया में स्टेटमेंट्स देते रहे और असेंबलीज में झगड़े करते रहे? व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी तो हाफिज साहब से मैं बहुत हद तक मुतफिक हूँ कि जब वो माफी की बात करते हैं तो ये कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो जब ये कह रहे हैं कि जब जिस तरीके से सदर जरदारी साहब को, देखें बात जो है, एक तो कौम को हमें हकीकत बयान करनी चाहिए। जरदारी साहब 27 दिसंबर से पहले पाकिस्तान तशरीफ नहीं ला सकते थे। बेनजीर साहबा ने अपनी शहादत से पहले कई बार कहा, और ये सब लोगों को मालूम है कि वो जरदारी साहब को नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान में आए। वो जानती थी कि यहाँ पे हालात क्या होंगे अगर वो यहाँ पे आते हैं। आपने देखा कि 18 अक्टूबर को कराची में हमला होता है, जो वहां पे जैसे वो पाकिस्तान तशरीफ लेके आई, जरदारी साहब को फिर भी उन्होंने नहीं आने दिया। उन्हें कहा जी इलेक्शन के बाद हम देखेंगे, लेकिन उसके बाद जरदारी साहब तशरीफ लाते हैं और यहाँ पे आके जो उसके बाद जो हालात बने हैं, कौम को पता है कि क्या हालात बने हैं। अब किसके एजेंडा को फॉलो किया जा रहा है वो भी मैं समझता हूँ, लोग अशारतन किनारतन वो भी समझ रहे हैं। इसलिए हमें माफी मांगनी चाहिए कि हमने जो लोगों को ठीक नहीं बताया कि हालात क्या बनने जा रहे हैं। हमने जमहूरियत के नाम पे बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया कि हमने जाति मफादात को बाला तर रखा। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है कि अमरीका ने क्या किया, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है कि नेटो क्या कर रही है, क्योंकि ये लोग तो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं, वो तो अपने मुल्क के मफाद के लिए काम करते हैं, गुड लक टू देम। हमें तो चाहिए कि पाकिस्तान के मफाद के, मुझे अफसोस अपने आप पे है, मुझे अफसोस अपने हुक्मरानों पे है कि हम अपने जो है मफाद को हम जो है बालातर नहीं रखते। जाति मफाद तो हमारे सामने होता है, हम कुर्सी को हम जमहूरियत का नाम दे देते हैं, कुर्सी को हम मफादात के नाम दे देते हैं कि मेरी कुर्सी बाकी रहे, बाकी आप जाएं रिश्वत लें, लोगों को लूटें, जो मर्जी करते जाएं, वो सब चीजें मंजूर हैं हमें, लेकिन मेरी कुर्सी है वो कायम रहनी चाहिए। ये हैं जाति मफादात। अब आप अंदाजा कीजिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कन्विक्टेड हैं, खुद हाउस ऑफ के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा जी कि मैं कन्विक्टेड हूं, लेकिन मैं जो फैसला है स्पीकर साहब आप पे छोड़ता हूं, कन्विक्टेड मैं हूं। अल जजीरा पे इंटरव्यू देके कहते हैं कि अगर मुझे कन्विक्शन हुई तो मैं फौरी जो है रिजाइन कर जाऊंगा, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने।
जानते हुए उन्होंने एक अपनी जो पार्टी की जो स्पीकर हैं, जो उनको नॉन पार्टीजन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी जियाली स्पीकर होने का जो पूरी सबूत दिया वो उनके सामने छोड़ के उनको कहा जी आप डिसाइड कीजिए। अभी वहां पे लंदन गए हुए थे, हम बात करते हैं जी कि कितनी प्रॉब्लम है मुल्क को, बचत होनी चाहिए, यानी कि एक शकील नामी बंदा सरगोधे का 4,566 रुपए, राणा साहेब 4,566 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स उसने नहीं पे किया, कस्टम एंड एक्साइज वालों ने जाके उसको बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, सील कर दिया, बस समूद उसके बच्चों के अंदर होने हुए। ये हाल है गरीब अवाम का। और यहां पे हाल ये है कि वजीर आजम साहब को 6 बंदों के लिए इन्विटेशन आया, अगर 6 बंदों को लेके आप आइए, आप 86 बंदे लेके आप लंदन चले जाते हैं और वहां पे आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, क्योंकि वहां पे जो बरतानवी प्रेस थी वो इतना क्रिटिसाइज किया उन्होंने डेविड कैमरून अपने वजीर आजम को कि आपने कैसे एक कन्विक्टेड वजीर आजम को यहां पे बुला लिया। हम अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में जाके नेटो की कॉन्फ्रेंस होती है शिकागो में, पाकिस्तान फोकल पॉइंट था, सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे थी, और आपको हैरानगी होगी राणा साहेब कि वहां पे इतना जबरदस्त मीडिया सेंटर बना जिसकी आपको गालबन आपके इल्म में होगा, सारे जितने हेड ऑफ द स्टेट वहां गए हुए थे, जितने हेड ऑफ द गवर्नमेंट गए हुए थे, सब ने जाके मीडिया को वहां पे एड्रेस किया। वो जानते थे कि सारी दुनिया जो है इस वक्त देख रही है, सिर्फ और सिर्फ अगर किसी ने जाके नहीं किया तो वह पाकिस्तान ने नहीं किया, ना हमारे सदर साहब ने, ना वजीर खारजा साहब ने, ना सेक्रेटरी खारिज ने, बल्कि अपने होटल में जाके एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की जिसको किसी ने अटेंड नहीं किया। ये तो हालत है कि हम कैसे जाके सारी दुनिया को अब पैगाम क्या देते हैं, अपने मुल्क के बारे में क्या बताते हैं, फिर हम रोते हैं जी कि यहां पे पाकिस्तान में आता कोई नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। तो अगर इस किस्म की हुकूमत होगी तो अब उसका इलाज क्या है? इलाज यही है कि किसी तरीके से दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं, अवाम को हम हकीकत बयान करें कि आज हम किस हालत में हैं, और उसके बाद अवाम पे फैसला ये छोड़ दिया जाए कि अगर वो दोबारा इनको लेके आना चाहते हैं और दोबारा 5 साल के लिए हमारे पे अजियत जो है वो दोबारा ला के डालना चाहते हैं तो सो बी इट, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि अवाम इस दफा बेहतर फैसला करेंगे। आपका डिमांड ये है, अगर दोबारा लेकर आना चाहते हैं हम दोबारा प्रस्तावन करेंगे उनसे। दोबारा क्या करेंगे हाफिज साहब? मैंने कहा कि आजम तारिक अजीम साहब कह रहे हैं कि अगर अवाम उनको दोबारा ले आना चाहते हैं तो दोबारा हम उनको सदर बनाएंगे और दोबारा हम उनके साथ उसी तरह ताउन करेंगे। हमने एक हकीकत को जानते हुए अगर अवाम उनको वोट देते हैं तो फिर क्या कर सकता है इंसान? नहीं, मैं वोट नहीं देते हैं। देखिए जी, बात यह है कि हमारे नक्शा पहले बनता है, बच्चा पहले पैदा होता है, शादी बाद में होती है। अच्छा। हमारे यहाँ पहले तय होता है कि परवेज मुशर्रफ को जो आपके भी हमारे उस दौर में थे, आपको पता है कि उसमें पहले तय हुआ था अबू जुबैर में कि मुशर्रफ को सदर मानना है, वजीर आजम होगा और मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, इलेक्शन इकट्ठे लड़ेगी। ये मामला पहले तय हुआ था और फिर उस खाके में रंग भरा गया। मैं एक टेक्निकली बात अर्ज करूंगा कि अगर ये बजट को मुस्तरद करती है अपोजिशन और बजट के अंदर बलोचिस्तान और पंजाब के लिए जो रुकूमत मुख्तस होती है और आप उसको मुस्तरद करती है और कहते बजट जो है वो जाली है और फिर वो रुकूमत लेने के लिए बलोचिस्तान की हुकूमत जिसमें नून भी शामिल है, JUI भी शामिल है और पंजाब की तो सारी की सारी हुकूमत नून की है, और अगर वो उस तमाम तर बजट के हवाले से जो जाली बजट है, गोरख धंधा है, और उसके हवाले से वो अपना हिस्सा वसूल करते हैं तो मैं ही समझता हूँ एक सियासी वर्कर की हैसियत से कि हमारा एक और तजाद भी अवाम के सामने और दुनिया के सामने आएगा। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। सो अर्ली इलेक्शन होने चाहिए तारिक साहब, ये आप डिमांड कर रहे हैं? देखें जी, जितनी जल्दी इलेक्शन हो, जितनी जल्दी हम छुटकारा हासिल कर सकें इस हुकूमत से, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए सूदमंद होगा, पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा, अवाम के लिए फायदे में होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी तारिक अजीम साहब। हाफिज साहब, मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा इसी पे मजीद, इस चीज को, इस बात को आगे लेके बढ़ेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, उसके बाद आता हूं। हाफिज हुसैन अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है और पीपल्स पार्टी का भी मौकफ जानने की कोशिश करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।